नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से यदि किसी डायरेक्टर्स को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, मेंबर मिलके कैसे किस प्रक्रिया का पालन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी डायरेक्टर को हटा सकते हैं। देखिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल कंपनी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रावधान लागू होते हैं जिसके अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर होते हैं उनको नियुक्त करने का और हटाने का अधिकार सदस्यों के पास होता है। यदि कंपनी के सदस्य किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बात करते हैं क्या प्रोसेस रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस ये रहती है कि मेंबर अपनी मीटिंग में एक साधारण रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो है किसी भी डायरेक्टर को हटा सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपको 14 दिन का स्पेशल नोटिस देना होगा, मिनिमम 14 दिन का, अधिकतम 3 महीने के टाइम पीरियड का आपको नोटिस देना होगा जो है साधारण सभा के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। इसके साथ ही जो है स्पेशल नोटिस में आपको रीजन भी लिखना होगा कि क्यों हटाया जा रहा है डायरेक्टर को। और अब हम बात करते हैं कितने मेंबर मिलके या नोटिस भेज सकते हैं। देखिए, जो है कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसका 1%, मतलब जो टोटल, जैसे मान लीजिए कंपनी के 100 मेंबर है तो उसके 1% मेंबर जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो है नोटिस भेज सकता है स्पेशल। यदि 1,000 मेंबर होते हैं उस कंडीशन में 1% वैल्यू जो है उसकी 10% होगी, तो 10 लोगों को मिलकर नोटिस भेजना होगा, तभी आप जो है डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, साधारण सभा बुला सकते हैं। जब आप साधारण सभा बुलाते हैं तो आपको साधारण सभा में ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है बहुमत के साथ पारित करना होगा और मेंबरों के सामने जो डायरेक्टर का पक्ष उसने रखा है उसको वहां भी आपको रखना होगा। डायरेक्टर को रिमूव करने के बाद यदि आपके जो डायरेक्टरों की सदस्यों की संख्या जो है नियमित है, जैसे एफपीओ में, एफपीसी में 5 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए, यदि उससे कम होती है जिस मीटिंग में आप डायरेक्टर को हटा रहे हैं उसी मीटिंग में आपको किसी दूसरे डायरेक्टर को उसकी जगह अपॉइंट करना होगा, जिससे जो है डायरेक्टरों की संख्या कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बनी रहे। इसके अलावा एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद जो है एक MGT 14 जो फॉर्म है वो फाइल करना होगा, उसमें आपको जो ये आपकी सदस्यों की मीटिंग रहेगी उसकी जो सर्टिफाइड मिनट्स हैं, सील साइन, वो आपको उसमें अटैच करना होंगे। इसके अलावा DIR-12 आपको अटैच करना होगा दोस्तों। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी यदि आप अपनी फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी से किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं तो। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की कॉरपोरेट संबंधित सलाह या सर्विसेज चाहते हैं, एफपीओ का इनकॉर्पोरेशन, एफपीओ के एनुअल कंप्लायंस, डायरेक्टर को हटाना, डायरेक्टर को जोड़ना, सदस्यों को जोड़ना, किसी भी प्रकार की कॉरपोरेट सर्विस के लिए हमसे हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। दी गई जानकारी उपयोगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।